हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री और हार्दिक स्वागत हमारे अच्छा जान चैनल पे माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज। तो आज का कॉन्सेप्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है असेसमेंट एंड एवेल्युएशन का। यहाँ तीन पार्ट्स हो देंगे, पार्ट 1, 2, 3। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इसमें और क्या करेंगे आगे, तो वो होगा व्हाट इज़ मेजरमेंट, व्हाट इज़ टेस्ट, एवेल्युएशन क्या होगा, असेसमेंट क्या होगा, फॉर्मेटिव क्या है, सबमिटिव, उनका डिफरेंसेस क्या है और असेसमेंट ऑफ फर एंड एज रनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट इटसेल्फ जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके हर एक सब्जेक्ट में इनके बारे में होगा। तो दैट मीन्स आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स में इवन एक एक क्वेश्चन भी यहाँ से आई ऑलमोस्ट, ये जो असेसमेंट एवेल्युएशन कॉन्सेप्ट्स है इसमें आपको 6 to 7 मार्क्स आएंगे आपके सीटेट एग्जाम में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, डोंट मिस अ सिंगल पॉइंट हियर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर मेरा चैनल पसंद आया तो, एंड द वीडियोस डू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल अपडेट्स। और ये मेरा बुक है, आई पेंड इट, ये पूरे जो नोट्स है जब सब कुछ आपको इस बुक में ज़रूर मिल जाएगा, वॉच आउट फॉर दैट। तो हाँ, कमिंग टू असेसमेंट एवेल्युएशन, आज क्या डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 1 में, वी विल लुक एट द बेसिक डेफिनेशन। पहले ये डेफिनेशन जब हमें समझ में आ जाते हैं व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज टेस्ट, व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट, तब यू नो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है एंड ऑल दैट। तो हाँ, मेजरमेंट क्या है, देखो एक बात पूछती हूँ, इन अ डे टू डे लाइफ हम मेजरमेंट से बहुत रेगुलरली भी यूज़ करते हैं। शायद आप खाना पका रहे हो, मेजरमेंट के साथ आप यू नो खाना वो एक ग्लास का, दो ग्लास का ऐसे लगाते हैं। तो देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट जो कुछ होता है। नॉर्मली हम क्वेश्चंस पूछते हैं मेजरमेंट अबाउट एज, कैसे पूछेंगे, हाउ ओल्ड इज शिवी, हाउ टॉल इज विवेक, What is your weight? What is the cost of the dress? ये सब measure कर रहे हैं उसका, है ना? These are some kind of questions जो कुछ हमारे दिमाग में आते हैं। Day to day life हम बहुत कुछ use करते हैं। अगर आप किसी बच्चों का एज हो, हाइट हो, वेट, एरिया, प्राइस, डिग्री, कुछ भी हम measure करते हैं। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मेजरमेंट होती है ना? अगर मैं आपको आपका वेट पूछ लूँगी तो आपको कहोगे 50 kgs। तो 50 kgs जब आप बोल रहे हो, मैं वेट पूछी थी, जब मैं वेट पूछ रही हूँ आप क्या बोल रहे हो, 50 kgs, सिर्फ 50 बोलोगे क्या? तो वो ग्राम्स हो सकते हैं कुछ भी, बट यू वेरी स्पेसिफिक, आप बोलोगे 50 kgs। तो इसका अर्थ क्या है, दैट इज दैट टू एस्पेक्ट्स टू बी रिमेम्बर्ड जब भी हम मेजर करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ यू, नंबर एंड अ यूनिट मेजरमेंट ऑफ, टू थिंग्स वी आर मेजरिंग हियर। इट इज़ यू नो मेजरमेंट का ऑफ वेट क्या है और नंबर, दोनों को साथ मिलाते ही ये वर्ड, ये जो 50 kgs मेक्स सेंस, है ना? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इज इट क्लियर? एक बात पूछती हूँ, कैन वी एक्सप्रेस द वेट विद आइदर वन ऑफ द टू? क्या मैं 50 या kgs बोलूंगी तो समझ में आ जाएगा व्हाट इज योर वेट जब आप बोल रहे हो? नहीं, है ना? इट डजंट कन्वे द मीनिंग। सो इन सिंपल टर्म्स, मेजरिंग एनी एस्पेक्ट इज टू स्टेट दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। यानी हम अगर मेजरमेंट कर रहे हैं, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक होता है, क्या वो एज के बारे में, वेट के बारे में, हाइट, लेंथ, टाइम, ऐसा कई चीज़ होते हैं, ओके? और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एज है, ग्राम है, किलोग्राम है, नंबर है, डजन है, दो डजन है, हावर है, मिनट है, अगर टाइम का, ये सब अलग 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 है, ओके? दैट इज कॉल्ड what do you call this, unit of measurement कहते हैं इसको, got it? So why are we talking about all this? शायद आप so आपको क्या समझ में आ रहा है, measurement relates to description of any particular aspect or characteristic of an object, है ना? measurement किसके साथ related है, वो एक particular object जो कुछ है, वो character उस object का, अगर measurement, कब का measurement, तो ये अगर पिलो है, पिलो का मेजरमेंट, मेरा ट्रैक, ये ट्राउज़र है, इसका मेजरमेंट, ऐसा हर जगह हर किसी का कुछ अलग मेजरमेंट्स होती हैं। एंड मेजरमेंट ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फिनोमिना इज इट्स क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, राइट? तो ये सब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो लेकिन हम बच्चों का जब क्लास में हैं, वाई आर वी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस? दिस इज़ अ वे टू क्वांटिफाई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या बच्चों का, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या उसको हम मेजर कर सकते हैं? उनका स्मार्टनेस क्या है, वो मेजर कर सकते हैं?
उनका एप्टीट्यूड क्या है, हॉनेस्टी, कैन यू मेजर ऑल दीज थिंग्स ऑफ अ चाइल्ड इन योर क्लासरूम? तो इनके ऊपर हमें, तो ये इन सब के भी हम मेजर कर सकते हैं. तो टू मेजर एंड क्वान्टिफाई सेवरल ह्यूमन क्वालिटीज मेनी मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड. तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट एडुकेशंस क्या किए, बहुत अच्छे मेथड्स डेवलप कर चुके हैं. बीइंग अ टीचर और अ पेरेंट, हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं ना हमारे बच्चों के बारे में, उसको कितना नॉलेज है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, स्कूल में क्या पढ़ रहा है, नहीं इतने टाइम में क्या कर पाए. तो हम क्या करते हैं, बच्चों को वी ट्राई टू मेजर. तो कैसे करते हैं, देर इज अ प्रोसेस यहाँ पे, राइट? तो वो क्या होती है, इन ऑर्डर टू मेजर द लर्निंग अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन अ स्कूल, वी एज टीचर्स यूजली मेक देम टू आंसर क्वेश्चंस. हम ओरल क्वेश्चंस पूछते हैं, रिटन फॉर्म में पूछते हैं, उनको क्वेश्चंस पूछ के अगर बच्चे आंसर कर पा रहे हैं नहीं, उसके हिसाब से उसको पास फेल जो भी है ऐसे बताते हैं, राइट? सो अभी टेस्ट क्या है, ये एक क्वेश्चन पेपर होती है उस सब्जेक्ट एरिया में, शायद मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, जो भी हो, है ना? पर एवरी क्लास वो टेस्ट क्या, किस तरह का टेस्ट हो सकता है, मंथली टेस्ट, स्लिप टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, एनुअल टेस्ट, है ना? तो दिस इज व्हाट इज टेस्ट. नाउ व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट, टेस्ट डेवलप्ड टू मेजर एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट इज कॉल्ड अचीवमेंट. यानी बच्चों कितना अचीव किया है उसको चेक करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट यूज करते हैं, राइट? और बाय द मार्क्स गिवन टू ईच क्वेश्चन, जो स्टूडेंट ने रेस्पॉन्ड किया उन मार्क्स को हम पूरा इकट्ठे करेंगे, यानी टोटल करेंगे, है ना? और टोटल स्कोर ऑप्टेन को एग्जामिनेशन ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट सब मिला के हम मेजर करते हैं कि बच्चा अच्छा किया एग्जाम में. अगर 70% से ज़्यादा कौन सा ग्रेड, 90% है तो कौन सा ग्रेड है, या कौन सा GPA है, आजकल GPA की बात है ना? तो दैट वे वी ट्राई टू मेजर. एग्जाम्पल हम एक बच्चे का लेंगे, निष्कल, एक लड़का है 10th क्लास का, उसने 70 out of 100 उसके मैथ टेस्ट में आया है उसको ड्यूरिंग हिज हाफ ईयरली एग्जामिनेशन. तो हिज अचीवमेंट, वॉट इज लर्नड, हम कैसे क्वान्टिफाई करेंगे, हम क्वान्टिफाई करेंगे कि उसका 70 ऑन दैट स्केल, यहाँ मार्क्स इज 100 स्केल, जहाँ बच्चे को 70 आया है, तो दैट वे वी टेक इट, गॉट इट? तो वी कैन दस से दैट मेजरमेंट इज इन एडुकेशन लाइक द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. तो हम एडुकेशन में भी मेजर कर सकते हैं. But remember, unlike the comparison physical measurements, comparison of marks cannot be in terms of ratios. Yani dekho, agar cake hai, 4 pieces bana sakte hain, unko 4 piece. Main part 1, part 2, 3, 4 ratio bana sakte na, I ate 1/4 of the cake, 3/4 is left. Lekin marks mein aisa hota hai, mujhe 1/4 marks aaye hain, 2/4 marks aaye hain, aise nahi bol sakte na. So that is it. Abhi dekhenge, assessment. Abhi what did we check with? Earlier we checked what is measurement, test क्या है, achievement test क्या होता है. Now हम देखेंगे कि assessment क्या होती है. ये जो assessment है ना, ये all these are very important, my dear friends. You should know how we are going with this assessment वाली चीज, वो basic understanding हो तो assessment evaluation का पूरा concept very easy होगा. So when we go to buy a pair of sandals, shoes for ourselves, क्या करेंगे हम? हम बहुत सारे मॉडल्स, लेडीज हम तो आप जानो, भगवान जाने कि किस तरह के चीज़ को पूछते हैं, इस कलर में, उस ब्रांड में, ये प्राइस में चाहिए, और अगर कितना भी वो दिखाए दूसरा कलर पूछेंगे, दूसरा ब्रांड पूछेंगे, दूसरा कंफर्ट पूछेंगे. तो ऑल दीज आर आर रिक्वायरमेंट्स, और हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम फिट करते हैं, है ना? तो And the same way, if we really want to measure the performance of a child, हम यहाँ, you know, I will decide कि मेरे हिसाब से ये fit हो रहे हैं नहीं. तो in the same way, if we really want to measure the performance of a child in a particular school subject, science हो, specific unit हो, general conduct of a test हो, हम उनको measure करना है performance in terms of marks. तो we also have assignments and projects to give. तो हम क्या करेंगे, बच्चों को असाइनमेंट्स देंगे, प्रोजेक्ट्स देंगे, और उनका एक्टिविटीज़ कंडक्ट करेंगे, और क्लासरूम ले उसका बच्चा कितना समझ में आया, कितना उसको समझ में आया, कितना अप्लाई कर रहा है, ये भी देखेंगे, राइट? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और परफॉर्मेंस इन साइंस अगर मुझे देखना है, क्या कह सकती हूँ, इट रिफर्स द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल डेटा
एंड एविडेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू लर्निंग ऑफ साइंस कॉन्सेप्ट. यानी बच्चे साइंस कॉन्सेप्ट में टीचर ने उसको प्रोजेक्ट वर्क दिया, कुछ कुछ और प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है, ग्रुप वर्क हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकते हैं, ओरल टेस्ट हो, सब मिला के मैं बच्चों का असेसमेंट करूंगी, है ना. द क्वांटिटेटिव डेटा में भी न्यूमेरिकल हो सकती है, मार्क्स और स्कोर्स भी हम बोल सकते हैं. तो क्वांटिटेटिव डेटा यानी इट कैन बी क्वालिटेटिव डेटा जो कुछ होता है, इट्स लाइक इंटरेस्ट इन लर्निंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, इंट्रैक्शन कैपेबिलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट लर्न्ड. और जब भी मैं क्वालिटेटिव डेटा बोलती हूँ, ऑल दिस कम इन टू पिक्चर, है ना. एंड हाँ, यू कैन ऑल्सो वेरी वेल ऑब्जर्व दैट असेसमेंट गोज बियॉन्ड मेजरमेंट विच इज लिमिटेड टू कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. तो मैं बच्चों को जब असेस कर रही हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट असेसमेंट बच्चों का, तो इट इज जस्ट नॉट मेजरिंग विथ मार्क्स, ये कुछ उससे ज्यादा ही है. तो वो हमें मालूम होना चाहिए. रिमेंबर द डेटा यूज्ड using a single test or from a single source can be of help if assessing the learner completely. The data using a single test or from a single source cannot be of help. Okay, ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए. And in schools all assessment क्या करते हैं, ultimately improving student learning होती है, but assessment is also done to address स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ लर्निंग दैट अ टीचर फेसेस इन हर. ये भी हम यूज करते हैं स्कूल्स में. असेसमेंट क्यों करते हैं स्कूल में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको असेस करने के लिए, और जो भी इश्यूज हैं उसको चेक करने के लिए, हर जगह के लिए यूज होते हैं. सो होप आई एम वेरी क्लियर अभी तक. तो अभी देखेंगे वॉट इज एवेल्युएशन क्विकली. इससे एवेल्युएशन क्या होती है, यू मी ऑल ऑफ अस जज एंड टेक डिसीजंस ओवर नंबर ऑफ थिंग्स, है ना, हमारे इश्यूज ऑफ अ लाइफ. सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, मुझे मॉइस्चराइजर एंड लोशन लेना है. अमॉन्ग द सेवरल ब्रांड्स ऑफ लोशंस मार्केट में जो कुछ है, आई विल ट्राई टू सेलेक्ट द बेस्ट जो मेरे पॉकेट का, मेरे सोच का है. तो हम खुद को एक सेवरल क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या ये सॉफ्ट है, अच्छा स्मेल करता है प्रोडक्ट, अच्छा रिएक्शन, कुछ रिएक्शन नहीं होगा ना मेरे स्किन में, प्राइस हाई है, ये सब उसके हिसाब से, सूटेबिलिटी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, हाँ मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए. यू नो एक मिनट, हाँ वन सेकेंड, लेट मी सी, आई थिंक आई मिस्ड आउट व्हाट इज एवेल्युएशन. हाँ राइट, हम ऐसे देखते हैं, तो वी मे से इट इज सूटेबल फॉर मी इन ऑल एस्पेक्ट, इट स्मेल्स वेल, सो आई कैन, इट स्मेल्स वेल, आई कैन नॉट एफर्ड इट और आई कैन एफर्ड इट. सो हम जजमेंट करते हैं मॉइस्चराइजिंग लोशन के बारे में कि मुझे चाहिए नहीं चाहिए, एक जजमेंट पास करते हैं. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर एंगेजिंग इन एवेल्युएटिंग द लोशन वी आर गोइंग टू परचेज. जो लोशन खरीदने वाली हूँ उसको मैं चेक कर रही हूँ, एवेल्युएट कर रही हूँ, मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से एक काम कर रहा है या नहीं. ओके, तो दैट इज, अगर उसको एक फॉर्मूला में रखना है एवेल्युएशन के बारे में, जो कुछ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्लस वैल्यू जजमेंट हो, तो उसको हम एवेल्युएशन कहते हैं. यानी बच्चों का टेस्ट का हो, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, बिहेवियर सब मिलाऊंगी तो ही वो एवेल्युएशन बनेगा. क्लियर, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्लस मेरा जजमेंट, दोनों को मिलते ही वो एवेल्युएशन बनेगा. राइट, क्लियर. So keep in view the classroom learning. In what way are assessment and evaluation similar and different? ये भी देखेंगे. जब assessment है, it refers to collection of data or gathering of evidence. जो कुछ मैं assess कर रही हूँ, मैं पूरा data जो कुछ बच्चे ने test में दिया है, वो oral test हो, जो भी test, उसमें वो सब, it's my collection of that. लेकिन evaluation finally interpret करती हूँ data को, कि हाँ इन टेस्ट में अच्छा किया है, इन टेस्ट में नहीं किया है, तो ये बच्चा पास है, फेल है, 70% के साथ पास है, ऐसे देखते हैं. राइट, दैट इज द डिफरेंस. एंड व्हेन वी आर लुकिंग एट यू नो असेसमेंट क्या कर देता है, इट गिव्स प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, और एवेल्युएशन इज बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एविडेंसेस. एंड इन बोथ द प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस आर केयरफुली मेड बाय एग्जामिनिंग एविडेंस ऑफ
इन बोथ प्रोसेस में क्या करते हैं हम, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या है देखेंगे, उनका बिहेवियर टुवर्ड्स लर्निंग क्या है देखेंगे, ये सब आते हैं. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चों को वो बात समझ में आ रहा है ये नहीं, ये भी ध्यान देते हैं, राइट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन बोथ द प्रोसेस इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस आर केयरफुली मेड बाय एग्जामिनिंग का बच्चों का क्या, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग, राइट. एंड अगर पूरा का पूरा आज जो कुछ हमने सीखा है अगर समरी में एक लाइन में बताना है तो व्हाट इज मेजरमेंट, इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द एट्रीब्यूट्स और डायमेंशंस ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स और फिनोमेना आर क्वांटिफाइड. मेजरमेंट इज ऑल अबाउट क्वांटिटी, है ना. और असेसमेंट क्या है, इट्स अ प्रोसेस फॉर विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड रिलेटेड टू सम नोन ऑब्जेक्ट. यानी ये जो है वो पूरा एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ गोल के हिसाब से रिलेटेड. और एवेल्युएशन वो होता है जो हम वैल्यू जजमेंट देते हैं, यानी आप और मैं एक एक जजमेंट देने के लिए कुछ डेटा जो जो असेसमेंट्स किए हैं उन सबको लेके कंसिडर करके, वो क्वान्टिटेटिव हो या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, सबको कलेक्ट करके एक ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट जैसा देते हैं, वैल्यू जजमेंट बोलते हैं उसको, एवेल्युएशन. डन विद दिस टुडेज वीडियो इज डन. अगले वाले वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट टू में हम फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट क्या है, उनका डिफरेंसेस क्या है वो भी देखेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस दिस एट ऑल. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको इंग्लिश का अपडेट्स आए, मैथ्स पेडागॉजी का अपडेट्स आए, सबका सब. और अगर ये बुक परचेज करना है तो दिस प्लीज़ फॉलो द डिस्क्रिप्शन बिलो, वहाँ पे इनका लिंक्स भी है. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.